सौम्या पखेल जी सिर्फ खेसारी जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। अब बताइए कथा कथित आज के भोजपुरी दौर ऐसा आ गया कि आज के जो आए हुए दो दिन के कलाकार हैं, मैंने एक फीमेल आर्टिस्ट है कोई, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूं। अब बताइए कि भोजपुरी में पेट में जो बच्चा भी होगा, अगर वो पैदा होगा तो वो पवन सिंह का एक गाना तो जरूर ही सुनेगा। और वो मैडम बोलती हैं कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। आजकल जितने भी नौछटिया ब्यास लोग पैदा हुए हैं उनसे पूछिए कि फलाना को, भाई फलाना से ज्यादा तो हम चलते हैं, फलाना को कौन जानता है, फलाना से तो ज्यादा मेरा चर्चा है। ले भाई, मैंने इज्जत रिस्पेक्ट सब गया तेल लेने। एक गाना बजता है किसी भी ब्यास का आज डेट में, अगर बज जाए और उनसे जाके आप मिलिए और भैया हेलो नमस्ते भी नहीं करते हैं, हेलो हा? अब राजा भाई एक लिख रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोगों ने भोजपुरी गाना सुनना बंद कर दिया है। अब हो सकता है भाई कि आप सोशल मीडिया पे आप सर्चिंग करते होंगे, क्योंकि देखिए मैं ये भी बोल रहा हूं कि 2-4-10 को माहौल खराब करने वाले जो लोग हैं अपना अपना धंधा के चक्कर में एकदम गंध तो मचा ही दिए हैं भोजपुरी भाषा में, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे मेरा बात। लेकिन बहुत सारे नॉलेजफुल लोग हैं, नॉलेज करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, साथी हैं, जो इस बात को एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, भोजपुरी भाषा कहां जा रही है, हमको क्या करना चाहिए। नीरज शर्मा जी अगर सोच समझ के बाउंडर कर जाता है तो इसका मतलब सीधा है ना कि गीत संगीत नहीं चल रहा है भोजपुरी में, अच्छे गीत संगीत का मार्केट नहीं है। अब हाउ आई बड़ी मैडम, मतलब पता ना वो भाई कितना साल से कोई को सिनेमा कितना का काम के होने के पता। अब जब ये हालात हो गया कि आज के दौर में आए हुए कलाकार आर्टिस्ट बोलते हैं कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, कोई बोलेगा कि हम इनको नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपने खून पसीना 30-35 साल दे दिया, जिस पवन जी ने, खेसारी जी ने, कल्लू जी ने, रितेश ने, जितने भी कलाकार हैं, हम खुद को हटाते हैं, हम चलिए अपनी बात नहीं रखते हैं, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी ने, मनोज तिवारी जी ने, रवि किशन जी ने, जितने भी कलाकार 20-25-30 साल से भोजपुरी भाषा को कहां थे, कहां से कहां लेके गए, और उसके बाद आज के आए हुए कोई भी आर्टिस्ट, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, बोले हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। अब कोई बोलेगा हम खेसारी, कोई आर्टिस्ट कल आएगा बोलेगा हम खेसारी जी को नहीं जानते हैं। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब किसी का मैं शिकायत बड़ा नहीं कर रहा हूं, पहले जिस इंडस्ट्रीज में इतना प्यार था इसी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आज से 10 साल पहले गीत बजते थे, गीतों के प्रति सम्मान था, वहां यह नहीं पूछा जाता था कि किस जाति पे गीत आया है, किस धर्म पे गीत आया है, हाई गीत बढ़िया बा, फलाना गीत बढ़िया बा, ठीक ना, तो गीतों पे चलता था। आज मतलब अपने अपने निजी स्वार्थ में अपने चमचागिरी करने में मुझे एक चीज समझ में आया कि ये चमचागिरी कब तक चलेगा, ये चमचागिरी कब तक चलेगा, कोई बता दे हमको। अगर आप में टैलेंट नहीं रहेगा तो आप हाथ पैर जोड़ के आप दिन भर झंडा उठा के चमचागिरी करेंगे, कब तक सक्सेस हो जाएंगे आप मुझे बता दीजिए। आप जात पात पे एक नहीं 50 गाना गाएंगे फिर आपका लाइफ कहां रहेगा? अगर आप गायक हैं तो आपको गायक ही रहना है, अगर आप गायक हैं तो आपको तो गायक ही रहना है। हम 15-20 साल से गा रहे हैं, 20 साल में तो हम अगर जात पात पे गाते रहते तब तो मेरा विदाई हो गया होता। हम मानते हैं, हम आपकी भी बात मानते हैं, जो गायक ये बोल रहे हैं कि भैया हम लोग ऐसा गीत गाते हैं तो ज्यादा रिस्पांस मिलता है, अब बढ़िया चीज गाते हैं तो नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो आप उससे अलग अलग और सोच सकते हैं ना, संगीत में और भी चीज है ना। भोलू राजा भाई, मेरे ऊपर मीडिया जितना भी गलत लिखना है लिखे, जितना मुझे गाली देना है दे, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने जीवन में चमचागिरी करके ना अपना नाम कमाया है, न ही मैं हाथ पैर जोड़ के नाम कमाया हूं,
मैं डे वन से आज भी, मेरा गाना चले या ना चले, लेकिन मुझे अगर रियल में किसी चीज से प्यार है तो संगीत से प्यार है। मेरे रग रग में, मेरे खून खून में संगीत है और मैं संगीत से ही प्यार करता हूं। मैं स्टूडियो में ये सोच के गाना नहीं गाता हूं कि ये गाना जात पात पे गा दूंगा तो चल जाएगा और ये नहीं चलेगा तो क्या होगा। मैं एक गाना नहीं चलेगा, 1000 गाना गाऊंगा, एक ना एक तो आपके दिल में पसंद आएगा। और मैंने जितने भी गाने गाए हैं, भले मेरे से दुश्मनी के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए लोग कुछ भी बोल दे, बट पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को पता है कि मैं स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं है किसी बात का। डर इसलिए नहीं है कि ना ही किसी का चमचागिरी करना है, ना ही किसी का हाथ पर जोड़ना है, ना ही किसी के तलवे चाटने से मेरा घर चलता है, और ना ही कोई मेरे घर पे हरा सब्जी पहुंचाता है, ना ही मेरे परिवार को कोई चलाता है। हमारी मातृभूमि भोजपुरी है, हमारा तन मन धन भोजपुरी में बसता है, भोजपुरी भाषा हमारा है, ये गर्व से हम कहते हैं कि हमारा है। और हमारे भाषा को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, जितने भी लोग भोजपुरी में न्यूज बनाते हैं, अपनी मां का कसम खा के बताएं हमको कि भोजपुरी भाषा को वो अच्छे से जानते हो तो क्या जी। आज भोजपुरी भाषा और भोजपुरी कलाकार के ऊपर जितना लोग उल्टा सीधा बोलता है अपने अपने रुपया कमाने के चक्कर में, उनको बोलता हूं अपनी मां कसम खा के बोलिए अगर आप भोजपुरी के विषय में जानते होंगे तो। आपको पता भी है कि भोजपुर और भोजपुरी का मतलब क्या होता है? आपको जानकारी भी है? कुछ नहीं जानकारी है, कुछ भी नहीं जानकारी है। जितने लोग आज भोजपुरी का इज्जत लूट रहे हैं बैठ के अपना धंधा चलाने के लिए, हम एक लाइन में बोल रहे हैं कि इज्जत लूटा जा रहा है, न कि बचाया जा रहा है। सिर्फ विवादित न्यूज बनाया जाता है, किस लिए? पैसा कमाई होगा। हाँ, राकेश मिश्रा का विरोध इसलिए होता है तो मैं कभी किसी न्यूज वाले को नहीं बोलता हूं कि मेरा न्यूज बनाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग खुद ही 500-1000 के महीना पे काम कर रहे हो। क्या जी, आज भोजपुरी में मैंने 40% सच्चे लोग हैं जो सच्चे अपना न्यूज बनाते हैं, उनको 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 किसी से मतलब नहीं है। 60% लोग मंथली पे काम कर रहे हैं, अपना अपना मंथली सेट है, अपना अपना चापलूसी सेट है कि हाँ मैंने फलाना खुश हो जाएंगे, हम खूब न्यूज बनानेंगे तो फलाना खुश हो जाएंगे। और ये गलती भी नहीं है, क्योंकि आप उसी का न्यूज बनाएंगे जिसका आपको ज्यादा व्यू मिलेगा। तो आप मेरे से नाराज हो सकते हैं कि राकेश मिश्रा ने गलत बोला, लेकिन आप जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपकी नाराजगी सारी दूर हो जाएगी कि नहीं, राकेश मिश्रा ने बात तो सही बोला। कहां चला गया भोजपुरी भाई, कहां चला गया? हम लोग के सामने हमारे सीनियर कलाकार आते थे तो हम लोग झुक जाते थे। आज की एक लड़की एल्बम करने आती है तो बोलती है पवन सिंह को नहीं जानते हैं, कोई आता है तो बोलता है कि भाई फलाने गायक से तो हम ज्यादा बज रहे हैं, कोई आता है तो बोलता है कि आज की डेट में तो हम ही बजा था नहीं। यहां आ गया भोजपुरी, भोजपुरी यहां आ गया। 10 गो 20 गो 30 गो लोग अपने अपने घर चलाने के लिए, अपना फॉर्चूनर स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, अपना सिकड़ी ब्रासलेट चमकाने के लिए आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री तहस नहस कर दिए। लेकिन ये बात बोलेगा कोई तो बहुत बुरा है, उसका विरोध करो। अगर ये बात जिस कलाकार ने बोल दिया उसका विरोध करो, क्योंकि भोजपुरी को एकदम धरातल में सरातल में मिला दो। मैं बोला तो वो बोले कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो तुम तो भोजपुरी भाषा ही नहीं जानती हो, तुमको तो भोजपुरी भाषा ही नहीं पता, भोजपुरी के बारे में तुम क्या जानोगी? लेकिन आज तुमको चर्चा कहां से मिला? कल तक तुम्हारे गली का एक डॉग भी नहीं जानता था, आज तुमको चर्चा कहां से मिला? हमारे ही भोजपुरी के, हमारे भाई खेसारी लाल जी के गाना से ना। तो ये हाल है। लेकिन इस विषय में अगर आपने बोल दिया, कह दिया, अगर आप सच्चाई पे बात कर लिए तो आपको व्यूअर नहीं मिलेंगे, आपका विरोध होगा, आपको स्ट्राइक मारा जाएगा, आपको गाना नहीं चलने दिया जाएगा, आपको धमकी मिलेगी, आपको ये होगा वो होगा। हाँ, दे दो भाई धमकी,
मैंने वो सारे लड़के बेवकूफ हैं जो जो बनारस यूनिवर्सिटी में जाके संगीत सीखते हैं क्या जी। हेलो, आज वो सारे लड़के बेवकूफ हैं जो पिछले 5-5 साल से हारमोनियम का कोर्स कर रहे हैं, जो हर जगह अपना मेहनत कर रहे हैं। आज लड़के जब मैसेज करते हैं तो दुख होता है कि भैया हम इतने जानकार हैं लेकिन हम क्या गाएं, हम गाएंगे तो लोग चर्चा ही नहीं होगा। आप खुद बताइए, आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग भले मेरी बातों को कितना भी मजे लीजिए कुछ भी बोलिए, लेकिन आपका अंतरात्मा मैं बोल रहा हूं, आपका अंतरात्मा अगर मेरी एक भी बात से हटेगा कि नहीं राकेश मिश्रा ने गलत बोला है, तो आप जो जो बोलेंगे वो हम मान जाएंगे, आप जो बोलेंगे हम मान जाएंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आप ही लोग स्टार बनाते हैं, आप ही लोग स्टार को उसकी सिस्टम भी दिखाते हैं और आप ही लोग बड़ा छोटा करते हैं। इतना चापलूस मत बन जाइए, कुछ लोग इतना चापलूस मत बन जाइए स्वार्थ में। स्टार बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी मार्केट में बोलेगा, कुछ भी गाली देगा, कुछ भी कहेगा तो आप लोग कहेंगे वाह 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 वाह। ये वाह वाह एक दिन इतना भारी पड़ेगा ना कि सोच नहीं सकते हैं आप लोग, और इसका अंदाजा भी आप लोगों को नहीं है कि ये जो अभी ड्रामा शुरू हुआ है, ये जो ड्रामा शुरू हुआ है इसका अंदाजा भी आप लोगों को नहीं है कि इसका एंडिंग कहां होगा। मैं बोला ना कि एक समय में भोजपुरी में गीत संगीत बजता था, आज भोजपुरी भाषा में जात पात बजता है। क्यों? उस टाइम वो जाति के लोग नहीं थे, उस टाइम जो जिसके घर में कलाकार जाता था उसको बेटे की तरह, भाई की तरह, परिवार की तरह हर मां बाप प्यार देते थे। ठीक है, आज आज जो स्थिति हुआ है ना, और चाहे कुछ भी हो जाए हमको तो जात पात गाना ही नहीं है, हमको हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं गलती कर रहा हूं, उस गलती को अब सुधारूंगा, क्योंकि मैंने लगातार सोचा था, मेरा प्रयास था कि मैं एक के बाद मैं गाने जो है एक तरीके का ला रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि नहीं, यहां पे सपोर्ट जो है वो जातिवाद को है, यहां पे सपोर्ट नौटंकी को है। जितना नाटक नौटंकी आप करेंगे, जितना आप नौटंकीबाज होंगे, जितना आपके कंपनी ड्रामेबाज होगी, जितना दिन भर ड्रामे करेंगे, यहां ड्रामा का पूजा है, यहां नौटंकी का पूजा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्वालिटी का पूजा नहीं है, कलाकारी का पूजा नहीं है। अच्छे गीत संगीत 50 गो में वो चल गया तो चल गया, वो अलग बात है, अच्छे गीत संगीत का पूजा नहीं है। और अगर जो सवाल उठाता है उसको बोल दिया जाता है कि बहुत ज्यादा बोल दिए, कहां है तार चच्चा, 3500 दिन बोली है तो तारा बड़ा मजा आवे लगा, बाबा बाबा भैया बाबा गर्दा कब, अरे छोड़ो ना यार इसका गाने दिखा रहा हूं उनको, बारे भैया गर्दा कबार दिए, बा भैया गर्दा उड़ा दिए, भैया क्या आप गाली दिए हैं, भैया क्या आप फलाना गाए हैं, भैया क्या आप घटिया गाए हैं, तो वहां घटिया नहीं बोलते हैं, बोलते हैं भैया मजा आ गया, मजा ला दिए, मजा ला दिए।